आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम के साथ ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। विकास की गति निरंतर बनाए रखने में तेज, किफायती, स्थानीय, क्षेत्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारतीय रेल तेज बदलाव और तेज विस्तार के जरिए मजबूत और आधुनिक रेल इकोसिस्टम बनने की राह पर अग्रसर होकर देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ा रही है। पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। आज देश का शायद ही कोई हिस्सा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम न चल रहा हो। तेलंगाना विकास की इस कहानी का अहम हिस्सा है। भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली नई रेलवे लाइन के जरिए भारतीय रेल तेलंगाना के तेज विकास का भागीदार रही है। क्षेत्र में कोयला खदानों से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी बनाने के उद्देश्य से मेसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के कॉस्ट शेयरिंग सहयोग से 990 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। 54 किलोमीटर लंबी इस स्ट्रेच लाइन का निर्माण सिर्फ 3.5 साल में पूरा करना सुरक्षित, तेज और आसान आवाजाही के प्रति भारतीय रेल की प्रतिबद्धता दर्शाती है। कुल 94 रेलवे पुल यानी 10 बड़े ब्रिज, 40 रोड अंडरब्रिज, सर्वरम, चंद्रुगोंडा और पार्थसारथीपुरम में 3 क्रॉसिंग स्टेशन के साथ ये परियोजना सुसज्जित है। सत्तुपल्ली क्षेत्र की खदानों से तेज और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित ये नई रेल लाइन थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। ये नई रेल लाइन भद्राद्री, कोत्तकुडेम और खम्मम जैसे जिलों में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। इस परियोजना में स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। मजबूत रेल संपर्क बनाने के साथ देश की समृद्धि की गति बढ़ाना भारतीय रेल का संकल्प है। हम सभी के लिए ये बड़े गर्व की बात है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली नई रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है।